हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो वीडियो की सीरीज चल रही है, ठीक है, तो उसका फोर्थ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यह वीडियो का जो कि सॉल्वर एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यह वीडियो का फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, सो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले जो फोर पार्ट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से वो पहले वो वीडियोज़ को देख लें। ठीक है, क्योंकि यह हम कर रहे हैं जो कि एप्टीट्यूड एंड रिसर्च है साइकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जो कि जो जीसी नेट में आपको हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो हम वो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो चैप्टर की मीन्स चार वीडियोस मैंने फर्स्ट चैप्टर की चार वीडियोस जो कि चार पार्ट्स में आपको प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, तो यह उसका फिफ्थ पार्ट है, तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उतने डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, सो फर्स्ट में हमारे पास पूछा गया द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए टीचर इज टू, देखो टीचर का जो सबसे अच्छा मीन्स फंक्शन है वो क्या होगा, महत्वपूर्ण फंक्शन क्या होगा इसमें। ठीक है, कि लर्निंग को फैसिलिटेट करना, इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स को मैनेज करना, या जो कि करिकुलर एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट करना, या इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसमें हमने मीन्स कौन सा प्रेफर करना है। सो इसमें देखो टीचर का काम होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाए। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास जो सिखाना आ रहा है वो फर्स्ट में आ रहा है। सो दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो सी ऑप्शन है ये हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे करिकुलर कहा है, यहाँ पे करिकुलम नहीं कहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करिकुलम कहा होता फिर हम मान लेते, लेकिन जो करिकुलर है इसका कोई रोल ही नहीं है, करिकुलर तो होता ही नहीं है, है ना, करिकुलम होता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट करिकुलर एक्टिविटी ये मीन्स रॉन्ग ऑप्शन है, ये हम नहीं ले सकते। सो उसका जो राइट आएगा हमारे पास, लर्निंग को फैसिलिटेट करना, मीन्स लर्निंग को इतना सरल बना देना, इतना आसान बना देना टीचर के द्वारा कि बच्चा आसानी से उसको सीख जाए, उसको समझ जाए जो भी चीज़ें मीन्स वो समझ रहा है टीचर से। ठीक है, सो इसका हमारे पास फर्स्ट आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, इट इज़ पॉपुलरली सेड दैट एनी टू स्टूडेंट आर नॉट अलाइक। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि भी दो स्टूडेंट, ठीक है, कभी भी समान नहीं होते, क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, सो कभी भी ये समान नहीं होते। सो वह मीज़ हम इसमें कहा है कि दिस इम्प्लाइज़ दैट दे डिफर इन देयर। ठीक है, तो वह किस में मीज़ अलग उसमें जो विभिन्नताएँ हैं वो किस में होंगी। ठीक है, तो देखो जनरली विभिन्नताएँ अगर हम माने, तो अगर आपने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, है ना, तो डेवलपमेंट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। डेवलपमेंट में हमारे पास आता है एक तो क्वालिटेटिव, ठीक है, एक तो क्वालिटेटिव, एक आता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आता है, इसमें हमारे पास मेंटल डेवलपमेंट आ जाता है क्वालिटेटिव में, और सोशल डेवलपमेंट आ जाता है, और इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है। ऐसे ही क्वांटिटेटिव में हमारे पास ग्रोथ आ जाती है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, मीन्स इसमें वो इन डिफरेंसेस होते हैं जो इन चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, सो अगर ऑप्शन में बात करें, हमारे पास ये ग्रोथ फिज़िकल हो गया और मेंटल किससे रिलेटेड हो गया, मेंटल डेवलपमेंट से, है ना। सो इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, हम देखो सोशल स्टेटस की बात करें, ठीक है, तो सोशल स्टेटस में अगर मान लो कि आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो कि सोशल स्टेटस क्यों नहीं अलग अलग हो सकता, तो यह मीन्स दो बच्चों का अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है। देखो सोशल स्टेटस में क्या कुछ आ जाता है, ठीक है, सोशल स्टेटस में उसकी हम कास्ट ले सकते हैं, उसका हम कल्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, कल्चर ले सकते हैं, सोशल स्टेटस में उसका हम जो धर्म होता है, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि कास्ट, कल्चर और धर्म उसका दो बच्चों का अलग अलग ही होगा, दो बच्चों का यह सेम भी हो सकता है। ठीक है, सो सोशल स्टेटस होता है मीन्स ऐसी स्थिति जो कि समाज ने डिसाइड की है बच्चे के लिए। ठीक है, सो कास्ट होगी, कल्चर हो गया, ठीक है, धर्म हो गया, तो यह सेम नहीं हो सकता, इसलिए हम सी को नहीं ले सकते। और जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होते हैं, है ना, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। सो राइट आंसर हमारे पास आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें क्या कह रहे हैं, ऑफ़ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज, नीचे कुछ थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं
तो इसमें कह रहे हैं द वन दैट एम्बॉडीज द आइडिया दैट द लर्निंग टेक प्लेस थ्रू इनसाइट। देखो इनसाइट हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है पूरे क्वेश्चन में, जो कि इसका मेन पॉइंट है आंसर को फाइंड करने का, ठीक है। तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी आपको पता होगा, इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी आपको पता है कि किसने दी थी, कोलर ने। इसमें एक और था कैफ्का, ठीक है। इसमें एक और था जिसका नाम था वर्दीमीर, है ना। तो ये तीन थे, कोलर, कैफ्का और वर्दीमीर। तो इन तीनों ने इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी, और इनसाइट लर्निंग थ्योरी इन तीनों ने दी थी, और इन तीनों को क्या बोला जाता है, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टिज्म में रखा गया इसको, मींस इसको हिंदी में बोलते हैं समग्रवाद, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गेस्टाल्ट ऑप्शन ए में आ रहा है, सो यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सो इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए लर्न मोटिव, तो जो कि सीखी हुई चीज मींस कौन सी नहीं है इनमें से। तो एक मींस या तो तीन चीज़ें ऐसी फाइंड कर लो जो कि सीखी जाती हैं, ठीक है। सो हैबिट्स होते हैं ये सीखे जाते हैं, ये आपको पता है। एटीट्यूड भी हम सीखते हैं और इंटरेस्ट भी हम सीखते हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा रिफ्लेक्सेस एक्शन। जो रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं मीन्स प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो वो हम कभी भी सीखते नहीं हैं, ये हमारी क्या होती है, इनबॉर्न होती है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे कि आँखों का झपकना हो गया, ठीक है, आँखों का झपकना और अंगूठा चूसना, ठीक है, बच्चे द्वारा अंगूठा चूसना, या हम कह सकते हैं मुंह में पानी आ जाना खाने की वस्तु को देख करके, ठीक है, छींक आ जाना, ठीक है, हम उबासी ले लेते हैं, ठीक है। सो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारी बॉडी का इस पर कंट्रोल नहीं होता, तो यही होते हैं रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो यह सीखी हुई चीज़ नहीं होती, ये हमारी बॉडी द्वारा अपने आप ही होती है, ऑटोमेटिकली तरीके से ये काम करती हैं ये क्रियाएँ, ठीक है। सो फोर्थ का आएगा हमारे पास ए ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच लेसन अ जनरल रूल इज एक्सप्लेन्ड फर्स्ट एंड देन एग्जांपल, ठीक है। तो देखो पहले मीन्स रूल प्रोवाइड किए जाते हैं, और फिर रूल प्रोवाइड करने के बाद क्या किए जाते हैं, एग्जांपल प्रोवाइड किए जाते हैं। मीन्स जो ये चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई रूल्स टू एग्जांपल, ठीक है, रूल्स टू एग्जाम्पल बन गई। तो रूल्स टू एग्जाम्पल क्या होती है, डिडक्टिव होती है, इंडक्टिव होती है, कॉग्निटिव होता है, या स्किल लेसन होता है। तो रूल्स को बोलते हैं, इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ, क्योंकि दो चीज़ें होती है आपको पता है, एक तो होती है इंडक्टिव, ठीक है, एक होता है डिडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इंडक्टिव को आगमन बोलते हैं या निगमन बोलते हैं, या डिडक्टिव को आगमन बोलते हैं या निगमन बोलते हैं, कई बार हमें ये भी चीज़ नहीं याद रहती। तो ये सारी चीज़ों को याद करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो रूल्स टू एग्जांपल, रूल्स क्या होते हैं, नियम, रूल्स होते हैं नियम, ठीक है। और नियम से हम कहाँ पर गए, उदाहरण में गए, मींस पहले इसमें टीचर नियम प्रोवाइड करता है बच्चों को, फिर उदाहरण देता है। सो नियम में हमारे पास आगे आगे क्या आता है, नी, और नी से आप क्या याद रखोगे, निगमन, ठीक है। इट मीन्स अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि जो यह रूल्स टू एग्जांपल है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, निगमन विधि बोलेंगे, ठीक है। तो रूल्स टू एग्जांपल मीन्स नियम टू उदाहरण, यह क्या हो गई, निगमन विधि हो गई। अब निगमन को इंडक्टिव बोलते हैं या डिडक्टिव बोलते हैं, अब ये चीज़ कैसे हम डिसाइड करेंगे। सो देखो इंडक्टिव, और इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव एक बॉवल होता है, जो आई है वो एक बॉवल है। ऐसे ही अगर हम हिंदी में अ की बात करें, ठीक है, तो यह भी एक बॉवल साउंड है। सो ई एक बॉवल है और आ भी एक बॉवल है, ठीक है। सो ई और आ से आप याद रखोगे, मींस इंडक्टिव क्या होगी, इंडक्टिव हमेशा इसको याद रखने का तरीका यही है कि इंडक्टिव होगी आगमन, ठीक है। सो फिर डिडक्टिव क्या हो जाएगी, डिडक्टिव हो जाएगी हमारे पास निगमन, और निगमन ही हमारा क्या था, मींस राइट आंसर है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा निगमन विधि मींस डिडक्टिव लेसन, ठीक है। सो डिडक्टिव में हम पहले जनरल रूल बताते हैं बच्चों को, फिर एग्जांपल देते हैं। ऐसे ही इंडक्टिव में पहले एग्जांपल देते हैं,
फिर क्या देते हैं, रूल देते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास काउंसलिंग है, सो जो कि काउंसलिंग है, ठीक है, यह प्रोवाइड की जाती है क्या, असिस्ट करने के लिए, ठीक है। सो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो काउंसलिंग है मीन्स वह बच्चे की किस चीज़ को हेल्प करे, ठीक है, बच्चे की हेल्प करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो किस चीज़ में, जो लर्निंग डेफिशिएंसी है उसको डायग्नोज करने के लिए। देखो जो लर्निंग डेफिशिएंसी है उसको डायग्नोज करने का तरीका तो है, मीन्स दो चीज़ें होती है, एक तो रिमीडियल, मेथड होता है या रिमीडियल टीचिंग होती है, एक डायग्नोज टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। सो रिमीडियल टेस्ट और डायग्नोस्टिक टीचिंग या टेस्ट, ठीक है। सो ये होते हैं, मीन्स रिमीडियल में हम फाइंड करते हैं, डायग्नोस्टिक में हम उसको दूर करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, लर्निंग जो सीखने से रिलेटेड जो भी कमियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो ये तो हम नहीं लेंगे, फर्स्ट तो इसको एक निकाल दो, ठीक है। अब ये तीन रह गए कि उसके जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है या उसको कैसे समझाना है, ठीक है, इसके लिए या इनसाइट को डेवलप करने के लिए या पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो काउंसलिंग है, सो काउंसलिंग में हम रखेंगे सेकंड ऑप्शन कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहे हैं द लोएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट। देखो जो कि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है ना, जो ब्लूम ने दी थी, तो आपको पता है कि अगर आपने ब्लूम की थ्योरी नहीं देखी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, ब्लूम की थ्योरी का और कैसे इसके क्वेश्चन को हल करने हैं इसका भी, ठीक है। तो दो लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। सो ब्लूम ने, आपको पता है कि ब्लूम की थ्योरी में तीन डोमेन आती है, फर्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, और थर्ड है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। तीन आती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। सो जो कॉग्निटिव डोमेन है मीन्स फर्स्ट डोमेन है, उसका जो लोएस्ट लेवल क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो कॉग्निटिव डोमेन में जो भी चीज़ें आती हैं तो वो मीन्स उसकी एक सीक्वेंस है, वो एक क्रम में रखी गई हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखोगे, फर्स्ट कौन सी है, लास्ट कौन सी है, ऐसे ही अफेक्टिव डोमेन की फर्स्ट कौन सी है, लास्ट कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। सो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा नॉलेज, जो फर्स्ट मीन्स लोएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला लेवल वो है नॉलेज, ठीक है। सो सेवन्थ का आएगा ए। आगे हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर यूजफुल टू, तो जो कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यह यूजफुल है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या क्वेश्चन पेपर सेटर्स के लिए या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो जो इंस्ट्रक्शनल होती है, देखो सभी को इंस्ट्रक्शनल फॉलो करनी पड़ती हैं, है ना, चाहे वो अगर टीचर की बात करें तो उसको कैसे टीच करना है तो ये हिदायतें दी जाती है, उसको ट्रेंड किया जाता है और उसी तरीके से वो चलता है ना। और स्टूडेंट की बात करें तो टीचर द्वारा बताई गई जो निर्देशन होते हैं उस पर कैसे चलना है, तो स्टूडेंट्स मीन्स अब ये दोनों तो होंगे ही होंगे, और ये दोनों होंगे तो क्वेश्चन पेपर जो सेटर होते हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भई आपने क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सेट करना है, उसमें कौन कौन से कॉन्टेंट मैटर लेकर के आना है, मीन्स पूरा सिलेबस कवर हो जाए, और जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो किस तरीके से रखने हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, या हम यह कह सकते हैं कि लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए, है ना, तो पैराग्राफ हो गया, ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें मीन्स इंस्ट्रक्शनल में ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए इसका हम लेंगे ऑल ऑफ द अबव, सभी को इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं, सभी के लिए यह क्या है, यूजफुल हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम आर टू बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ, तो जो कि करिकुलम के जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो यह मीन्स स्टेटेड किए जाते हैं किस टर्म में। सो देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक तो स्टूडेंट इंटरिंग बिहेवियर, एक स्टूडेंट टर्मिनल बिहेवियर, ठीक है। आगे हमारे पास है टीचर्स बिहेवियर और लर्निंग प्रोसेस। सो जो कि करिकुलम का ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, तो वह स्टेट किया जाता है, ठीक है, किसकी टर्म में, कि
मीन्स बच्चे का क्या फ़ायदा हो, ठीक है। सो इसमें हम सी तो लेंगे नहीं, ठीक है, सी तो लेंगे नहीं। इसमें या तो हम डी रख सकते हैं या वी, क्योंकि टीचर का तो ऑलरेडी बिहेवियर सही होता है ना, तो टीचर का बिहेवियर तो हमने सही नहीं करना कि करिकुलम का जो मीन्स उद्देश्य है वो टीचर के व्यवहार को मीन्स बनाना है या उसके जो भी व्यवहार है उसको मीन्स उसमें चेंज लेकर के आना है, ठीक है, तो ये तो हम नहीं लेंगे। सो इन दोनों में से या हम ले सकते हैं या हम लर्निंग प्रोसेस ले सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि आंसर जो आएगा इन दोनों में से आएगा। सो स्टूडेंट एंटरिंग बिहेवियर अब क्या होता है और स्टूडेंट टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और जो कि करिकुलम का ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, वो मीन्स किसके लिए यूज़ होता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा और ये आपको याद भी रखना है क्वेश्चन, ठीक। सो जो हमारे पास स्टूडेंट एंटरिंग बिहेवियर होता है, ठीक है, स्टूडेंट एंटरिंग बिहेवियर, सो इसमें आप ये चीज़ें याद रखोगे कि इसमें बच्चे का वह व्यवहार होता है जो कि वह ऑलरेडी जो उसने सीख रखा है, ठीक है। सो एक चीज़ आप ये लिख लो कि वह व्यवहार जो बच्चे ने पहले से ही सीख रखा है, मीन्स पहले से सीखा हुआ व्यवहार, ठीक है, मीन्स ये पहले से सीखा होता है और ये बच्चे में ऑलरेडी व्यवहार में ये सेट हो चुका होता है, मीन्स जो भी चीज़ें सीखी होती है वो व्यवहार में सेट हो चुकी होती है। सो एंटरिंग बिहेवियर हम यह कह सकते हैं कि यह मीन्स बच्चों को हम यह कह सकते हैं कि जब किसी भी टीचर ने बच्चों को कोई ना कोई व्यवहार सिखाना होता है, ठीक है, कोई भी व्यवहार सिखाना होता है जब टीचर ने बच्चों को, तो उस व्यवहार को सिखाने से पहले, उससे पहले मीन्स बच्चों ने ऑलरेडी क्या सीख रखा है, ठीक है, वो चीज़ें मीन्स टीचर पहले डिसाइड करता है इसमें कि उसकी जो कि उसकी इंटेलिजेंसी उसकी इंटेलिजेंसी क्या है बच्चे की, कितना वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो किसी भी सीखने के प्रति कितना वो मोटिवेट है बच्चा, ठीक है, उसका जो सोशल स्टेटस है वो क्या है, ठीक है, बच्चे का, और उसमें हम यह कह सकते हैं कि उसने उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, मीन्स ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं इसमें, पहले देखते हैं कि पहले बच्चे में कौन कौन से चेंजेस आए हुए हैं, बदलाव आए हुए हैं, मीन्स पहले से ऑलरेडी बच्चे में क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है, क्या क्या उसमें योग्यताएँ हैं, ठीक है। तो ये तो होता है स्टूडेंट एंटरिंग बिहेवियर। सो मैं ये आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, डीपली नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप इन दोनों आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इन दोनों टर्म्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उस लिंक से आप क्या कर सकते हो कि ये चीज़ें पढ़ सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। सो आप वहाँ से ये पढ़ लेना अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि स्टूडेंट एंटरिंग में आप ये याद रखोगे कि व्यवहार जो पहले से ही उसके अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और स्टूडेंट टर्मिनल बिहेवियर में आप ये चीज़ याद रखोगे कि इसमें बच्चे का वह व्यवहार आ जाता है जिसको मीन्स टीचर ने क्या करना है, सिखाना है, ठीक है, वह व्यवहार जो कि टीचर ने मीन्स जिस व्यवहार को मॉडिफाई करना है, ठीक है, बच्चे के व्यवहार को एक डिज़ायरेबल बिहेवियर को क्या करना है, टीचर ने मॉडिफाई करना है, जिस मीन्स इसमें टीचर उसके व्यवहार को क्या देता है, शेप्ड देता है, ठीक है, एक शेप प्रोवाइड करता है कि भाई आपको इस तरीके का बनना है, आपने कुछ चीज़ें सीख रखी है और सीखने के बाद आपने कुछ चीज़ों अपने व्यवहार में कुछ मीन्स मॉडिफिकेशन लेकर के आनी है, ठीक है, तो टीचर उसके व्यवहार को क्या करता है, निरूपित करता है, मीन्स एक शेप देता है, ठीक है। सो एंटरिंग में जो चीज़ें पहले सीख रखी है वो आएंगी और टर्मिनल में जो चीज़ें सिखानी है आगे लाइफ में वो आएंगी, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे, स्टूडेंट टर्मिनल और स्टूडेंट एंटरिंग बिहेवियर, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है, होगा कि भाई उसको आगे क्या सिखाना है लाइफ में, ठीक है, कि उसके व्यवहार में किस तरीके से चेंजेस लेकर के आने हैं, ठीक है, वह कितना सोसाइटी के प्रति अवेयरनेस है, वह अपने फ्यूचर के प्रति कितना अवेयरनेस हो, उसमें कौन कौन सी एबिलिटी मीन्स आगे लेकर के आनी है बच्चे में, और उसमें जो उसका व्यवहार है कितना मॉडिफाई करना है, तो ये सारी चीज़ें करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है।
सो अगर आप इसका पढ़ना चाहते हो आर्टिकल अच्छे तरीके से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको मीन्स पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन 9 नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो जो कि अच्छे टेस्ट होते हैं तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो देखो, वैलिडिटी तो उसमें होनी चाहिए, ठीक है, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और यूजेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास 10 ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहे हैं इन विच डोमेन डज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉल, ठीक है। मीन्स जो कि अब ये भी ब्लूम की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, डोमेन की बात की गई है ना, तो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द लेसन, लेसन के एंड में द लर्नर शुड बी एबल टू हिट द फुटबॉल यूजिंग द हेड, कि भाई लेसन के एंड में जो कि एक बच्चा है, ठीक है, वह अपने सिर से फुटबॉल को हिट करने के योग्य हो जाता है ना। देखो, अब इसमें वह क्या, अगर बात करें, वह अपने सिर से मीन्स फुटबॉल को हिट कर रहा है, इट मीन्स उसका जो कि उसकी बॉडी है वो किसी न किसी मीन्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो कुछ ना कुछ एक्ट कर रही है कोई उसकी बॉडी, ठीक है। सो बॉडी से रिलेटेड अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो बॉडी से रिलेटेड हमारे पास जो तीसरी डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताई है, इसमें 3 डोमेन आती है, फर्स्ट है कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव और थर्ड है साइकोमोटर, ठीक है। सो इसमें बात की जा रही है कि उसकी बॉडी एक्ट कर रही है फुटबॉल पर, कि हिट कर रही है उसको, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर हम फिर शारीरिक वाला ही लेंगे, जो कि किसको रेफर करता है, साइकोमोटर को, ठीक है। सो साइकोमोटर में शारीरिक क्रियाएं आती हैं हमारी, ठीक है। तो एक बात और याद रखोगे, इसमें इन तीनों चीज़ों को जोड़ा गया है 3H के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो 3H का कॉन्सेप्ट भी याद रखोगे कि भाई जो 3H का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, वो भी ब्लूम ने ही दिया था, ठीक है। 3H का कॉन्सेप्ट ब्लूम ने दिया था, और 3H के कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। हमारे पास एक तो आ गया हार्ट, एक आ गया हमारे पास हेड, और एक आ गया हमारे पास हैंड, ठीक है। हार्ट, हेड और हैंड, ठीक है। हार्ट का संबंध किससे है, हमारे मन से, और वो किससे रिलेट करता है, अफेक्टिव डोमेन से, ठीक है। ऐसे ही हेड का संबंध, अब हेड ये मत समझ लेना कि यह एक सिर है, हेड का संबंध हमारे ब्रेन से है, और ब्रेन का संबंध हमारे किससे होता है, माइंड से होता है, और माइंड हमारा क्या है, मीन्स एक मेंटल हम यह कह सकते हैं कि यह हमारा मेंटल सिचुएशन है। सो मेंटल जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है, वो कॉग्निटिव डोमेन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो हेड का संबंध फिर किससे होगा, कॉग्निटिव डोमेन से होगा। ऐसे ही जो हैंड है, यह हमारा क्या है, मीन्स हैंड हमारा हाथ है, और हाथ का संबंध हमारे शरीर से है, और शरीर हमारा क्या है, साइकोमोटर में आता है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें याद रखोगे, हार्ट, ठीक है, हार्ट और हेड और हैंड, ठीक है, हार्ट, हेड और हैंड। तो ये बनता है 3H का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है 12। सो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं 12th में, ड्यूरिंग ए विजिट टू ए सेकंड ग्रेड क्लासरूम, सो जब आप सेकंड ग्रेड क्लासरूम है, जो जब आप उसमें जा रहे हो, मीन्स उसमें जाते हो, स्टूडेंट टीचर, सो ये स्टूडेंट आप काट दो, जस्ट टीचर मान के चलो, तो टीचर ऑब्जर्व ए चाइल्ड स्पेंडिंग द टाइम अलॉट फॉर वर्कशीट, एदर लुकिंग आउट द विंडो और डॉलिंग ऑन हिज पेपर। तो देखो, कह रहे हैं कि टीचर यह ऑब्जर्व करता है कि एक बच्चा जो कि उसने उसको जो भी असाइनमेंट पूरा करने के लिए दिया है, लेकिन वह असाइनमेंट पूरा करने की बजाय मीन्स जो टाइम है वो स्पेंड कर रहा है, मीन्स खिड़की की ओर देखने पर, या मीन्स डॉलिंग कर रहा है अपने पेपर पर, ठीक है। सो वह वो जो असाइनमेंट है वो नहीं कर रहा, ठीक है। सो आगे इसमें कहा है, व्हेन द स्टूडेंट टीचर, सो जब जो कि टीचर है, आस्क द चाइल्ड, वह जब चाइल्ड से बच्चे से पूछता है इफ़ ही नीडिड हेल्प ऑन द असाइनमेंट, कि कोई आपको मीन्स असाइनमेंट पूरा करने में परेशानी हो रही है, तो मीन्स आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो बच्चा कहता है कि नहीं, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि नहीं,
सो आगे कह रहे हैं व्हेन आस्क्ड बाय ही वाज नॉट डूइंग इट, ठीक है। तो मीन्स फिर टीचर उससे पूछता है कि वह क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, मीन्स उसको फिर वह असाइनमेंट भी नहीं बना रहा है, ठीक है, और उसे हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, तो वैसा क्यों मीन्स भी ऐसा वो क्यों कर रहा है बच्चा, टीचर उससे पूछता है। तो ही पॉइंटेड टू अनदर स्टूडेंट, तो वह दूसरे स्टूडेंट की ओर इशारा करके कहता है कि शी डज ऑल हर वर्क फास्ट एंड व्हेन शी इज़ डन शी गेट्स मोर वर्क। हाँ, तो बच्चा ये कहता है कि जब मीन्स वह लड़की अपना पूरा सारा काम तेज़ी से कर लेती है, ठीक है, पूरा कर लेती है, तो फिर उसे और वर्क दे दिया जाता है। मीन्स अब बच्चे की जो थिंकिंग है इस पर, तो बच्चे को पता है कि भाई यदि वह पूरा काम कर लेगा तो उसको और वर्क दे दिया जाएगा। मीन्स अब यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि बच्चा ज़्यादा काम नहीं चाहता, ठीक है। सो मीन्स अब यह इसमें कहा है द बॉयज रिएक्शन, तो जो बच्चे का रिएक्शन है, सुजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इट, तो जो बच्चे का जो रिएक्शन है उसको देखते हुए हमें क्या चीज़ सुजेस्ट करनी पड़ेगी कि बच्चा फिर ज़्यादा काम कर सके, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पे ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि बच्चे ज़्यादा काम कर सकते हैं या बच्चा अपना काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चीज़ सुजेस्ट करनी पड़ेगी, उसको बच्चे को क्या चीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसमें कह रहे हैं कि अ रूटीन हैज़ बीन इस्टेब्लाइज्ड फॉर, कि बच्चे को एक मीन्स फॉर स्टूडेंट हु आर हैविंग ट्रबल फिनिश एन असाइनमेंट टू आस्क द टीचर फॉर असिस्ट, हाँ, कि यह एक रूटीन इस्टेब्लाइज्ड किया जाए कि जो भी स्टूडेंट को परेशानी होती है अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए, वह टीचर से मीन्स एक हेल्प ले लें, एक असिस्टेंट ले लें, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी फर्स्ट। सेकंड में कह रहे हैं रूटीन फॉर रिवार्डिंग, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास रिवार्ड, ठीक है, रिवार्डिंग, या हम यहाँ पे इसको स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि ए रूटीन फॉर रिवार्डिंग स्टूडेंट हु फिनिश वर्क प्रॉम्प्टली इज नॉट इन प्लेस, कि भाई मीन्स उनको क्या करना कि उनको रिवार्ड देना स्टूडेंट को जो अपना क्या है कि काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि उनको एक स्टिमुलस दिया जाए ताकि उसको ये लगे कि जल्दी काम करने से उनको कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा वर्क मिला है, उनको मीन्स फिर ये ना लगे कि उनको ज़्यादा काम दे दिया, उन्होंने जल्दी काम किया लेकिन उनको ज़्यादा काम मिल गया, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड दिया जाए ताकि उन्हें ये लगे कि पहले काम करने पर उन्हें कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है। सो सेकेंड को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, थर्ड हम नहीं ले सकते, ठीक है, फोर्थ भी हम नहीं ले सकते कि स्टूडेंट मस्ट वर्क अलोन ऑन ए सीट वर्क विदाउट कंसल्टिंग अदर, की जो कि स्टूडेंट है ना अकेले वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सीट वर्क पर, तो वह दूसरे स्टूडेंट से कंसल्ट ना करें, और स्टूडेंट हु फिनिश वर्क बिफोर द होल क्लास इन फिनिश मस्ट नॉट इंटरप्ट द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल वर्किंग, हाँ, कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना काम पहले कर लिया है, दूसरी क्लास मीन्स क्लास के दूसरे बच्चों से पहले कर लिया है, तो वो दूसरे बच्चों को जो कार्य कर रहे हैं उनको परेशान ना करें, तो ये भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। सो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में क्या पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, तो जो कि टीचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू डिलीवर लेक्चर इन द क्लास, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टू इवेलुएट द स्टूडेंट, तो इसमें हम कौन सी चीज़ लेंगे, ठीक है। सो इसमें हमने कौन सा ऐसा ऑप्शन रखना है मीन्स जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएँ। तो देखो जो टीचिंग वर्क होता क्या है, ठीक है, टीचिंग वर्क मीन्स टीचिंग क्या चीज़ है, टीचिंग एक वही चीज़ है जिसमें हम बच्चों को टीच करते हैं, और टीच में अब हम क्या करते हैं, नॉलेज भी देते हैं बच्चों को, ठीक है, बच्चों जो बच्चे वीक हैं उस पर भी ध्यान देते हैं, तो बच्चों की हम केयर भी करेंगे, ठीक है, और बच्चों को इवेलुएट भी करते हैं। सो टीचिंग में ही सारा कुछ आ जाता है, इसलिए किस तरीके का मीन्स जो मेथड है या टेक्निक है हमने अप्लाई करनी है बच्चों को कंटेंट मैटर समझाने के लिए, ये सारी चीज़ें आ जाती है टीचिंग वर्क में ही, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हमारे पास निकल के सामने आता है ए, तो दूसरों को प्रेफर करने की बजाय, ठीक है, बी सी और डी को, तो हम किसको प्रेफर, क्योंकि ये बी सी डी और किस में
ऑलरेडी टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि टीचर का काम होता है टीच करना ही, ठीक है, ना कि सिर्फ हम यहाँ पे यही नहीं कह सकते कि लेक्चर को ही प्रोवाइड करना होता है या बच्चों का ध्यान रखना होता है ना, टीचिंग वर्क में सारा कुछ आ जाता है कि बच्चों का ध्यान रखना, यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते ना किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखा जाए, जैसे कि एक माँ बच्चे की केयर करती है उस तरीके से ध्यान रखे, या बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी सीखने में उस चीज़ पर ध्यान दे, है ना। सो टीचिंग वर्क ही हम लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ों को हम प्रेफर नहीं करेंगे। 13 का आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ई। सो आगे हमारे पास 14 है, इसमें कह रहे हैं गिफ्टेड स्टूडेंट आर, तो जो कि गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो मीन्स नॉन असर्टिव होते हैं, ठीक है, तो नॉन असर्टिव हम ये बोल सकते हैं नॉन असर्टिव को कि वो मीन्स विश्वासी नहीं होते, आत्मविश्वासी नहीं होते, दृढ़ निश्चय नहीं होते, डिटरमाइंड नहीं होते, तो मीन्स वो अपनी नीड्स के प्रति नॉन असर्टिव, तो ये तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, नॉन, अगर असर्टिव होता फिर हम ले सकते थे, ठीक है, सो ये हम नहीं ले सकते। सेकंड कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, तो ये हो सकता है इसका, लेकिन थर्ड देख ले, टीचर पर हम मीन्स जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं तो टीचर पर वो डिपेंड नहीं होते, ठीक है, मीन्स वो ईजिली तरीके से सारी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो टीचर पर डिपेंड हम नहीं कह सकते उनको, है ना। डी में कह रहे हैं इंट्रोवर्ट, तो वो इंट्रोवर्टेड भी नहीं होते, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास फिर क्या आएगा, बी ही आएगा, कि वह अपने जो भी उसके जजमेंट होती है, जजमेंट मीन्स स्वयं को मापना, ठीक है, मीन्स उसमें क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या स्किल हैं उसके, क्या वो कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, मीन्स ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसके प्रति वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो जजमेंट में वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ सीखने के लिए वो सेल्फ, हम यह कह सकते हैं कि वो उसमें वो सेल्फ एबल होते हैं, खुद ही इतने योग्य होते हैं कि वह चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। सो गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में आया था, सो इसका जो पॉजिटिव चीज़ है वो हम इसको प्रेफर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, सो इसमें हमारे पास कह रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एस्पेक्ट, मीन्स जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वह किस मीन्स किस चीज़ की ओर ध्यान देती है, किसको छोड़ करके, मीन्स इसमें तीन चीज़ें लेनी है, ठीक है, और आंसर में जो चीज़ छोड़नी है उसको हमने रखना है, ठीक है। सो इसका जो हम देखते हैं कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट में कह रहे हैं मिस्टेक है स्टूडेंट की, वह स्टूडेंट की मिस्टेक्स को ध्यान में रखती हैं, लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट की स्टूडेंट का, हाँ, तो सीखने का स्टाइल तो इसमें हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है, कि भाई बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तो असेसमेंट ये चीज़ हमें डिसाइड कर देती है, क्योंकि देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम बच्चों को मीन्स बच्चों ने कितना किसी भी लेसन को सीखा है ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, और फिर हमें पता चलता है कि जो भी उनके वीक पॉइंट हैं, जो भी उनके मीन्स कमज़ोर पॉइंट हैं, ठीक है, जहाँ जो भी वह किसी भी टॉपिक को समझ नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, सो फिर उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, जो कि उनके सीखने का स्टाइल है उसको देखते हैं, है ना, बच्चा किस तरीके से सीखेगा, सो हम इसलिए बी को तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर हम इसको नहीं रख सकते, क्योंकि हमने जो छोड़ना है उसको रखना है राइट आंसर। सो स्टूडेंट के जो कि मीन्स स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट के मजबूत पॉइंट है, उसको भी हम लेकर के चलते हैं, वीक पॉइंट को भी लेकर के चलते हैं, ठीक है, सो इसमें चाहे स्ट्रेंथ आ जाता, चाहे वीक आ जाता, ठीक है, वीकनेस आ जाती, तो वो भी हम लेकर के चलते, तो इसलिए हम ये भी लेंगे, सो हम एक्सेप्शनल केस में हम इसको नहीं रख सकते सी भी, और स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को भी देखना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी हम लेंगे। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये तीनों चीज़ें आती हैं, मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट की गलतियाँ हम नहीं आती, ठीक है, सो इसलिए इसका आएगा हमारे पास ए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन बहुत हैं, आगे 15 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि लगभग 30 मिनट की यह वीडियो या 35 मिनट की यह वीडियो नियर अबाउट बन चुकी है, सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इतना ही बहुत है, ठीक है, सो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये मीन्स फिफ्थ पार्ट था, जो कि सिक्स्थ पार्ट होगा वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन उस वीडियो में होंगे मीन्स सिक्स्थ पार्ट में वो हम देख लेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.